ये अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं महोडंड, और आरिफ भाई भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हूँ, और रास्ते में हमें एक दोस्त भी उठाना है बहरीन से, ठीक है। तो जैसे उनको उठाएंगे, अभी सीज़न मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल है, चाहते हैं कि बारिश ना हो, उससे पहले पहले हम बहरीन तक पहुँचे। तो अभी यही से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अभी हम पहुंच गए तोरवाल, और दोस्त का इंतज़ार हो रहा है, वो अभी आएगा, और यहीं से हम निकलेंगे कालाम के साइड। और स्टिंग अकेला अकेला, बस क्या बताएं, ऐसे दोस्त हो तो यार दुश्मन की क्या ज़रूरत। हाँ, मसला ये है कि ठंडी थी ना, और सिर्फ अकेले में पी ली। अभी हमारा दोस्त आएगा, चलो ये लो, शुक्र है आ गया। ए शायराना, बखैर 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 बखैर, जोड़ तकड़ा खुशाला। अभी हम निकलेंगे यहाँ से कालाम की साइड, और वहीं से सीधा मोहडंड, इंशाल्लाह वन नाइट स्टे इंशाल्लाह। और चलो लेट्स बिगिन द टूर। ओके, हमारी गाड़ियाँ, ठीक है, और इंजॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठहर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपनी गाड़ियों से। वो वहाँ पे सारी इंटरटेनमेंट हो रही है, और 5 मिनट के लिए आरिफ के लिए रुके हम लोग यहाँ पे, आरिफ के लिए इसीलिए क्योंकि आरिफ यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा दीवान है, ठीक है। और अभी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, अभी हम निकलेंगे सीधा कुमरा, वो सॉरी महोडन की तरफ, ठीक है। आरिफ आरिफा, सारा रास्ता कच्चा है, और तकरीबन हम लोग 4:30 बजे निकले हैं, और अभी वक्त का कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पहुंचेंगे हम आपको बता सकते हैं कि कितने टाइम में हम लोग पहुंचे। गाड़ी का जोर भी टूट चुका है, और बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है, और ऊपर से काफ़ी अप डाउन से चढ़ाई बहुत है, उतराई तो कम है। तो वापसी में तो हमें थोड़ी सहूलत होगी, बट अभी यहाँ से जाते हुए हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और गाड़ी का जोर भी टूट रहा है यहाँ पे। हाँ, मौसम जो है ना, मौसम टूट रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट या 15 मिनट में इंशाल्लाह हम महोडन पहुँच जाएंगे। अभी मगरिब का टाइम होने को है, और हमने रास्ते में असल में लेट भी इस वजह से हो रहे हैं कि रास्ते में कुछ रुके भी, रेस्ट भी किया, तस्वीरें वगैरह भी ली, तो इस वजह से हमें थोड़ा लेट होना पड़ा है, बट इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हेलो यार, मेरे तो अभी सर में दर्द भी शुरू हो गया कि यार रास्ते की वजह से पहुंच के। ओ, नाश्ता नहीं करेंगे,
पहली चाय हमारी इंशाल्लाह मॉडर्न में होगी। ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हम मॉडर्न पहुंच गए, हमने अपनी बाइक ने यहाँ पे खड़ी कर दी और अभी हम मॉडर्न पहले मॉडर्न झील, लेकिन ये जगह का नाम क्या है आपके? मॉडर्न सुपर पे ठहरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे ठहरे हुए हैं, ये सामने हमारा कैंप है। बट अभी बारिश हो रही है हल्की पुल्की, सोचा थोड़ा हाथ गर्म कर लें, अभी बहुत ठंड। ये देखो कितने गर्म हो गए माशाल्लाह, लेकिन अभी भी गर्मी फील नहीं हो रही। तो बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं कहीं। लेकिन या तो हो सकता है आज रेस्ट करें, कल फिर हम निकले। अभी बहुत थके हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये रात का वक्त है और 7-8 बज रहे हैं, बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है और ये लोग गर्म होना चाह रहे हैं। ये देखो कोयला लगे, कोयला डले, और ये देखो ये शायरान, और ये दोस्त मोहम्मद खान हमारी मेहमान नवाजी करते हुए हमारे लिए माशाल्लाह चिकन बनाते हुए। ये अच्छा, खैर मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना बोलूँगा कि यार इनकी हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह बड़ी VIP है। और ये हो चुकी है और हमने नाश्ता कर लिया, अभी हम रेडी हो चुके हैं सैफुल्ला झील जाने के लिए और वार्म अप चल रही है बाइकों की, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हमारा रास्ता सीधा सैफुल्ला झील पहुँच के। झील भी मौजूद है जो महुडन झील से आगे सैफुल्ला झील और उससे आगे ये नसरुल्ला झील, और ये कंप्लीट ऑफ रोडिंग थी, ठीक है। ये यहाँ तक बाइकें पहुँच सकती है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप कैमरा में, हाँ ये रहा, ये लास्ट है, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, अदरवाइज बाइक नहीं जा सकती और गाड़ी तो बिल्कुल नहीं जा सकती। और यहाँ पर भी आपको पहुँचने के लिए इन पत्थरों से जाना पड़ेगा। ये अगर ये रास्ता मैं आपको दिखा सकूँ, ये रास्ता है, यहाँ से जाके आपने सीधा इस पत्थरों पे जाके बाइक को ले जाके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये जगह और ये लास्ट झील है।